ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੰਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾ ਦਿਓ मेरी तैनाती रही है जिस बंदे नूं सिक्योरिटी चाहिए सत श्री अकाल स्क्रोल पंजाब देखने वाले बलजीत मरवाहा वालों स्वागत हथियार ते नशे गायक पंजाब दी फिजा दे अजकल ये तीन विषय ने जिहड़े कि बहुत ही संवेदनशील बहुत ही गंभीर हो चुके हैं। हाल ही दे विच मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान का एक बयान आता है स्टेटमेंट आती है कहिंदे कि जिन्हें भी लोगों के कोल पंजाब दे विच हथियार है गए ने सारिआं दी आपां एक मुढ़ली वेरीफिकेशन करांगे तो उस तो बाद एक तीन तीन महीने बाद भी हर 90 दिन बाद भी जाके वेरीफिकेशन होया करिए किन्या कोल जायज ने किन्या कोल नजायज ने और जिस कोल हथियार है उन्हें देना किन्ना क जरूरी हैगा किन्ना कुदी जान नू खतरा हैगा और उस तो बाद जे आपां गल कर लीए नशे ड्रग्स ने जिहड़े कि गायकां दा इन्हां नाल कोई कनैक्शन हैगा या हथियारां दा या नशियां दा इस सैलीब्रिटी सैक्शन नाल कोई ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਰ ਕੋਈ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਲਿੰਕ ਕੁਛ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲ ਹੀ ਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਖੁਦ ਇਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸੂਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵੈਪਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਵੈਪਨਸ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੂਟਰ ਸਾਡੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ NIRD ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਫਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ 10-10, 12-12 ਲਾਇਸੈਂਸ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸਲਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਹੈ अच्छी क्वालिटी का जो नवा है एक तो उधरों आया एक जी डायरैक्ट समगलिंग होंगी है पोर्टा के थ्रू या जो भी आप किधर मर्जी खाते पा दो पाकिस्तान के पा दो इधर मर्जी एक वो वैपन जो स्पेसिफिकेटेड वैपन आता है ये जी लाइसेंसा की गल करती है तो बड़े हासोहीणी है तो जिस तरह के अफसर पढ़ा देंगे तो ये मतलब उस तरह की अगे चल पे जी अपना विजन तो कोई ही नहीं गा लाइसेंस तुम्हें देते हुए उन्होंने लोगों को जिन्होंने मतलब लड़ हैगी समझ के देते हुए ना तो वो दोबारा उन्होंने मतलब वेरीफाई करने की लड़ हैगी दूजी गल है उस तरह का अज तक किहड़े मतलब यह जे लाइसेंस भी अपना एक मैं जिक्र किया उस तो अलावा कहीं कोई इस तरह की गलबात हुई है हमेशा ही नजायज़ जिहड़ा हैगा असला वो वरत्या जाता है नजायज़ असले नूं जिहड़ा चैक करन दा कोई ढंग ही नहीं हैगा हुण इह वेरीफिकेशन ऐ थोड़ा हो सकदी कि किहदे कोल जायज़ है ते किहदे कोल नजायज़ है जायज़ है ते जां नहीं है नजायज़ दा तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं ना हैगा तो यह बड़ी मतलब बचकानी गल जिहनूं मैं कह सकदा कि जिहड़े लोगों नूं पहलां ही एक साजिश दे तहत पंजाब दे विच लाइसेंस रखना
बहुत औखा कर दिता गया पिछले दो तीन सालों तो वैपन की जी कैटागरी तिना तो दो ते कर दी गई। उस तो बाद इन्ने पैरामीटर डोप टैसट ड्रग टैसट कुछ होर ये जो हाई फीसिस हाई और एक लाइसेंस में जो पांच बारी किसी प्रोसैस चो निकलना पैंता तो पांच बारी फीसा तो पहला ही जोड़ा है जी छाननी इन्नी मतलब बस बरीक की हुई है। लाइसेंस तो बनाना अज की डेट में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अजक लाइसेंस जोड़े है मैं पिछले लुधियाने बारे गल की सी कि एक वर्ग विशेष के लाइसेंस में जोड़ा है छोड़ दी जा रही थी तो कुछ लोगों के लाइसेंस इस हद तक मतलब मजबूर कर दिता जा रहा है कि लोग जो विड्रा ही कर रहे हैं जो प्रोसीजर बने हुए हैं वो प्रोसीजर इस तरह बनाए गए हैं कि कुछ लोग जोड़े है इसको अक के अपने लाइसेंस ही विड्रा करा जा इन्ने चक्कर के नाल पैन उल्टा मतलब इन्ना पैसा तो टाइम खराब करना तो लाइसेंस रख के या वैपन रख के या करना की है तो वो चीज़ें चल दी मैं हुई सी गल मेरी एक ईमानदार नाल तुहाडे तों जवाब चाहांगा। तुसीं भी अपने करियर च हजारां वेरीफिकेशनां कीतियां होणियां किन्ने क जेनुअन होंदियां या फिर यारां दोस्तां दी सिफारशां होंदियां मंत्रियां अफसरां दबाव होंदे आ बना दे यार बंदा पता लगे भी आड़ती है जी कोई कहिंदा दुधी आ जी इकट्ठा करके कैश लिआउंदा इहो जिहे लोकां कोल भी इस ग्राउंड ते लाइसेंस ने किन्नियां क जेनुअन करदे हो किन्नियां क तुसीं दबा थल्ले आ के करदे हो। इसका सब तो वड्डा रुझान जदों 97 दी सरकार अकालियां दी आई सी उत्थों शुरू होया सी उदों तो मतलब धंधा ही हो गया सीगा कि मतलब एक एक जिहड़ा मतलब जथेदार खास तौर पर फिरोजपुर जिले मेरी तैनाती रही है मैं देखा उस तो बाद CBI का बहुत वड्डा हल्का चार्ज तो लेट आया 2009 से हल्का चार्ज उस पहले की गल उदो मतलब हर एक बंदा जिहड़ा सी दिहाड़ी में पांच सत्त सत्त दस दस फाइलां एक एक हल्के चो मतलब ब्लॉकों के चक के हल्के तो सैकड़े की गिणती में मैं कल फिरोजपुर की गल ही करदा सीधा सारे सारे पंजाब का रुझान है। उस तो बाद सब डिवीजन की गल कर रहे हो उस तो बाद क्योंकि उत्थे बहुत वड्डा रौला पै गया सारे जिले की लाइसेंस बहुत बने फेरू राई एक SSP से इन्हों का बादल परिवार का बहुत खास साढ़े भी SSP रहे मैं उदो SHO रहे हैं तो असं देखे मैं अभी आप CBI इनकुआरी वो भुगती है तो मैं उस अपने बयान देकर आया भी हाँ होया इस तरह दसे नहीं गया किसी ने कुछ भी आके तो फाइलों भी फाइल आ जाती सियाँ तो थोड़ा ऑर्डर से थोड़ा सैन करने पड़ते थे उस दे मतलब बहुत ज़्यादा लाइसेंस जोड़े है उदों उन्होंने आंसर के बने हैं कि जे मतलब नहीं जो मतलब डिजर्व करते जिन्हें रिकॉर्ड इस तरह के नहीं है ठीक है साड़ियाँ कलम थले भी टपे हो गए मेरे कोई वहम नहीं है जो एक प्रेशर की चीज़ तो बनी एक SSP बना रहा तो SHO के सामने की चीज़ है तो यह चीज़ा यह होंगे रही हैं उस दौरान जो लाइसेंस बने वो ये भी नहीं है कि वो सारे क्रिमिनल लोगों के ही बन गए पर प्रॉपर वेरीफिकेशन नहीं बने से CBI जांच भी हुई और बड़े लोगों की कार्रवाई भी हुई बाद तो अज की गल जो आप लैके जाइए तो अज जो समा अज जो ये बहुत बरीक छाननी वही नंघाया जा रहा है सिस्टम को ठीक है इस करके लाइसेंस बनाना अब तक बहुत वही गल हैगी है। पिछले पिछले तक सिर्फ लाइसेंस बनाने के 50-50 रुपए अफसर लोग चार्ज कर लगे थे मतलब लगता है भी जी हूँ 5000 फीस कित वही गल है 50 हो जाएगी हूँ शायद अंदर खाते करप्शन रहेगी फिर नहीं मेरे छाननी भावे बरीक मैं पूरी दसदा तुम्हें गल कि 50 हूँ भी हैगी है वो फीसा जी एक लीगल है जिसे भी भरनिया पैदा उस तो बाद जो अफसर टेबलों थलों लंघता है मैं DSP खन्ने लग्या सीगा तो उस तो पहले एक अफसर बदल के जो गया तो मैं जो उत्थे चार्ज लैके उस तो बाद जो लाइसेंस बारे खैर मेरा रुझान यह जहाँ मैं कहते नहीं इस लंघिया होया जो मैं हूँ कह तो लोग कहेंगे शायद मैं अपने बारे गल करना पर उस अफसर की मतलब 50,000 रुपया एक लाइसेंस का एक सैन करने का वो लेंदा सीगा जां कोई होर कोई टूरनामेंटा दी टूरनामेंटा दी पर्चियां पर्ची जो भी मतलब हाईली ओबलाइज करने बाद लाइसेंस दिते जांदे सीगे ये होया बाद विच आके जदों मतलब आह 14-15-16-17 च आके जदों इन्हां दी सरकार दा मगरला पार्ट सी पहले 92-97 दो जरा 7-12 और बेतहाल जो लाइसेंस है इलीगल वैपन का कोई केस पिया थोड़े भुगते नहीं इलीगल एक करंसी वाला इशू है हाँ वो ठीक है ना वैपन नहीं भी कोई चलो लंबी स्टोरी मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका तो वो कहने का मतलब है कि जो बंदा भी ठीक काम करता है ठीक है उन्होंने उन्होंने चीज़ों फेस करना पैदा होंगे तो उदों भी कुछ चीज़ें जो तुम जिक्र किया जो हुई तो यह परपज यह कुछ चीज़ों इनकार किया गया इन्हों के मुताबिक चलन तो फिर वो रिजल्ट जोड़े है पहले तो देखते रहने तो हूँ भी आए हैं तो लाइसेंस ना कंसर्न जो थोड़ा क्वेश्चन है वो तो यह है कि ये बिल्कुल जो सरकार के खास तौर पर CM लैवल के मतलब गल जो ये करते हैं उदो फिर उ लगता जो बाकी चीज़ा यह मतलब जिस तरह अफसर के पढ़ाए पाठ है जिस तरह की गल की जा इन्हों समझा दी जाती है वो मुताबिक जोड़ा है ये अपने अपना विजन कोई नहीं है ये ना CM का ना ही CM के पिछले जी वर्क कर रही फोर्स केजरीवाल कह लो या चड्ढा कह लो बिल्कुल इन्हों का विजन तक जो स्टेट में भी लॉटरी जी पई है वो जो है अपना योगदान पाना ये सब जड़ियाँ गल्ला बिल्कुल कोई मायने नहीं रखती कई बार ये चीज़ सामने आती है लोग कहें जी रखा हुआ जी दिखावे या टॉर में रखा हुआ कि वाकई वो लोग क्रिमिनल माइंडेड होंगे जेडे ने लैके रखे हुए हैं इस चीज़ ने इजाफा किया टॉर ने लाइसेंस टॉर लिए है पंजाब के नहीं है बिल्कुल है जी बिल्कुल साढ़े प्रॉब्लम हैगी खास तौर पर यूथ साडा पिछे आप अपने गन कल्चर को प्रमोट करने वाले गाने का जरा बड़ा विरोध चलता रहा ईवन उस मूसेवाले का भी स्टार्टिंग विरोध भी होंगे रहा योगदान भी है सब का ही है तो अच्छ कुछ जो नहीं कोई है तो उ कुछ चीज़ें चेंज हो जाए पर कुछ चीज़ें जो है तो है ही हैं
तो इस करके जिहड़ा साडा पंजाबी खून है जां खास तौर ते यंग ब्लड है, खास तौर ते नशियां दा रुझान जिहड़ा वड्डा ड्रग दा साडे च वड़ दित्ता गया, तो हुण तां साडे यूथ दी मतलब बिल्कुल ही सोच शक्ति जिहड़ी हैगी बिल्कुल थल्ले आई हुई है। तो बिल्कुल जिहड़ा हैगा लाइसेंस ईवन जिहड़े पहलां दे वैपन दिते हुए सीगे उन्हां दे जिहड़े अगली औलादा हैगीआं उह मिसयूज़ कर रही हैं। साडे दे इत्थे अफसर इक चंडीगढ़ मतलब इक SSP रैंक दा अफसर है, आ पिछले महीने दी गल है, उहदे मुंडे कोलों ग्लॉक जिहड़ा पिस्टल आया इत्थे चंडीगढ़ पुलिस ने बरामद कीता, तो उह गोल मोल कर ली गल बाद दे विच जो पता लगदा कि अफसर हैगे है। होर बहुत चीज़ां हैगीआं मतलब जवाक चाक के इस तरह तुरे फिरदे है। सो ये जिहड़ा हैगा ट्रेंड जिहड़ा हैगा साडे मतलब पंजाब दी एक मतलब जवानी जिहड़ी भी रही है, साडे वेले सी चलो असीं तां उहनां हालातां 'च पैदा जिहड़े होए आ उदों अत्तवाद सी बड़ा हालात बहुत उस तरह दे सी, पर जदों भी सानूं मतलब लोकां 'च प्रॉस्पैरिटी आउंदी है ते पंजाबी खून जिहड़ा हैगा इस तरह दी हुण जिहड़ी उबाले मारन दा जिहड़ा हैगा इहदे DNA 'च ही मेरे ख्याल विच। अच्छा इह जे आपां गल कर लई हथियारां ते नशे दी गल करदे सी, 15 साल पहलां बब्बू मान दे 2 गीत आए सी चले बहुत सी, इक तां सीगा पहला पैग ला के तेरी बांह फड़नी, दूजा सीगा मित्रां नूं शौक हथियारां दा। उसे बब्बू मान नूं बबीहा गैंग ने हुण हथियारां नाल धमकी देती है, सिंगर कनैक्शन की देखते हो? स्टार्टिंग परमीश वर्मा तो हुई सी, दिलप्रीत बाबा गोलियां भी मारदा चलो बच गया सीगा, गिप्पी रेवाल नूं धमकी आंदी है, कई छुटपुट सिंगर होर भी होणगे, हुण बब्बू मान नूं आ गए, इहनां दा की कनैक्शन है सिंगर हथियार ते नशे? ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੌਂਗ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਚੱਕ ਲਓ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਬਜ ਪਛਾਣਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਵਿਕਣੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਦੀ ਗਲਤੀ। ਆਪਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਕਰੀਏ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਤਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਵਡਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀਨ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਿਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਰੇ ਬੂਟੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਲਏ ਉਹ ਹਰੇ ਬੂਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਨਵੇਂ ਯੂਥ ਦਾ, ਇੱਕ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 2006 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੜਿਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਨ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਡਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੰਦਾ ਵਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਦਾ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪਾਇਰ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਇੰਪਾਇਰ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ। ਇੰਪਾਇਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਉਹ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੁਛ ਮਾਫੀਆ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਈ ਸਨੇਰੋ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਅ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਪਸ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੇਨ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ 100% ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣੇ ਪੁਣੇ 'ਚ ਇਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ 100% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਐਸਟ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਉਹਦੀ ਲਿਆਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਉਹਦੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਮ ਰੀਜ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖੁੰਡ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਹੋਣਾਂ ਦੇ ਭਲਿਆਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੀ ਏਜ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੇ ਨਾ ਕੀ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ। ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਧਮਕੀ ਆਈ ਦੱਸੇ,
कोई होर जो कोई ड्रग देता जिन्ना कंसर्न गल हैगी तो दसी जाए जिस तरह का वे सामने तो आए ना जो गल आप कहने मैंने धमकी आई और देने वाला भी बंबीहा ग्रुप है जिहड़ा कहिंदा सी सिद्धू ते मूसे वाले कातल छड़ने नहीं है वो तो ग्रुप तो पुलिस से बनाए हुए जी कोई इतने बंबीहा ग्रुप नहीं कोई इतने गोल्डी ग्रुप नहीं कोई इतने लारेंस बिश्नाई ग्रुप नहीं ये सारी की सारी खेड पुलिस डिपार्टमेंट की खेडी हुई है बिल्कुल बिल्कुल सारा कुछ मैं बहुत वारी गल कह चुकिया एक खेडा साडे जिहड़े हजम नहीं आउणी जो मर्जी है कही नहीं तो फिर जो क्लेम करते हैं वो करते हैं कि कौन करता क्लेम साइबर जो है सैल है वो थ्रू जितो थोड़ा क्लेम करा देंगे कल की फर्क पैदा इस कदम कोई अथेंटिसिटी पिछले गया कदम कोई एक जी आ जाती है वे सोशल मीडिया से असं मन लें भी उन्हें कह दिता मैं तो कदम भी नहीं मनता कौन अजे तुम जरा मर्डर होया अपने सूरी का तो उस दिन शाम को या सवेरे पहले तो एक पत्रकार साहब ने कहता भी ये पिछले मतलब जोड़ा है जी वो जरा लंडा हरीके वह हथ है तो दोपहर में चल रही थी भी उन्हें जिम्मेवारी ले ली गल किधरों की निकली है हर चीज़ गैंगस्टर ने जोड़नी है जो माफिया के सिस्टम जो है इस तरह का गैंगस्टर के खाते पाना ये बिल्कुल एक खेड एफ आई आर जी साइबर सैल मैं कला यही कहूँगा कि साइबर सैल की खेड होर भी बहुत फोर्सिज है जी सोशल मीडिया खेलना जानती हैं जिन इतने किमें गेम खेली जाती है वह हर सारी चीज़ें जी थोड़े होने वास्ते पोस्ट की जाए सच्चाई कोह दूर होंगी थोड़े दिन पहला मैं अपना 96 करोड़ी बुढ़ा दल के मुखी ने बलबीर सिंह उन्होंने रिहायश से जाने का मौका मिले तो जो मैं घर के बाहर पहुंचे ना मैं लग्या पता नहीं मैं किसी घट्टो घट DGP लैवल के घर के बंदे के बाहर आ गया हालांकि धार्मिक आगू है वो इन्ने क मुलाजम से इन्नी क गड्डिया खड़िया से कुछ समा पहला मैंने जोड़े काली माता मंदिर पटियाला पीठाधीश्वर ने पंचानंद गिरी उन्होंने घर जाने का मौका मिले से मैंने उच्च भी उही सुनहरी दिखाया धार्मिक आगुआ इन्नी सुरक्षा इन्ह का स्टेटस सिंबल है इन्हों की मजबूरी है इन्हों की लड़ है स्टेटस सिंबल सब तो पहला साढ़े लोगों के एक इंपैक्ट है ये हाँ ये पिछले गंदमैन किन्ने मतलब आगुआ वजह मैं तो उही कह रहा धार्मिक आगू कौन है इन्होंने धार्मिक आगू तुम कह दें मतलब मीडिया थ्रू आप धर्म की गल करते हैं धर्म की तो कदम भी गल नहीं करते तो नाम उपर दिखाई देता धर्म के तो विरोधी ने सब तो वे जो धार्मिक आगू कहने धर्म कितने होर की गल है तो धंधे वाले है जे जा कोई होर डेरावाद बना के बैठा है अपनी अपनी दुकान खोल के बैठे है जिस बंद सिक्योरिटी चाहिए है वो धर्म की लेगा देगा उन्होंने खतरा कद है पहली गल तो है जिन्हें धर्मक गल करनी है तो जिन्होंने ये खतरे पैदा किए हुए जे कि है ही नहीं है विखाने वास्ते लोगों को पखंडबाज अपना व्डा करने वास्ते लोगों इंपैक्ट आता मैंने ऐसे ऐसे मैसेज आते एक शहर गुरदासपुर तो जो हूँ एक पंगा नहीं पाया हुआ मेरा ख्याल है कि उ नाम तो मैं मैसेज आते 22 बंदे दते हुए से उसमें मतलब शिवसेना वाले बंद उन्होंने गिनतियां करता रात को चैकिंग करता ठीक है उन्होंने अपने घर के प्राइवेट काम करा उन्होंने छुट्टी जाना या नहीं जाना उन्हें डिसाइड करना मतलब हर चीज़ जी हथ दी हुई थो मैं बच्चों के इस तरह फोन आते और ईवन एक अद्धे बच्चे उत्ते सुसाइड भी किया पहले ठीक है वो कहते भी इन्ना मजबूर कर मुलाजम एक पुलिस चौकी का स्टाफ चक्की फिर या थाने ही कहो घट्टो घट हाँ मतलब यह जे बंद यही सी मेरे ख्याल जी का हमने चक्कर पाया हुआ यह जे बंद असूरी की तुम आप गल की मैं कल भी गल करता इन्होंने लोगों ने तो जी वाजा मार मार मौत बुलाई है या बुलाते हैं कुछ लोग तो जो आप काम ही यह करते हैं तो फिर वह कितने कदम तो वह रिएक्शन थोड़े को सामने आऊगा आऊगा ना हालांकि ये जो हुई है ये कोई प्लैन कुछ भी नहीं दिखाई देता भी आप कही भी प्लैंड है जिन्होंने कदम किसी के खाते पाँदे कदम किसी के खाते पाँदे ये बिल्कुल एक जो इमोशन से एकदम उन्हें देखा भी सामने बैठा है बंदा माड़ा बोलता है सन्नी दी भावनावां उपर आ गई तो उन्हें जो उन्होंने ठीक लगे उन्हें करते बिल्कुल सरकमस्टांसली इफेक्ट है ठीक है सामने अवेलेबल है वो वैपन है अनएक्सपैक्टेड बिल्कुल इस तरह दिखाई ही देता हूँ कल पुलिस की जांच की बनाएंगे की करेंगे प्राइमा फेसी जो भी प्राइमा फेसी ही तकरीबन सच होंगे मरवाह साहब बाद स्टोरियां बन जाएं बाद जो मैंने चाहिए होंगे उस हिसाब से बना लेंगे तो वही उम्मीद है कि इस तरह ही होया बाकी आने वाला समय कई चीज़ आऊँगी अच्छा हथियारों का हूँ जिदा यह कह रहे हैं सख्ती होगी कि करप्शन वजेगी बनते रहेंगे या लोगों का असर होगा घट जाएगा कुछ गन कल्चर पंजाब इस CM की स्टेटमेंट तो बाद नहीं जी नहीं इन्होंने की फर्क पड़ना कुछ चीज़ें जो फॉर द टाइमिंग इंपैक्ट होंगे CM को कहना मतलब इसे तरह देना रहना कल होर नवी कोई चीज़ फड़ा देंगे वो तो बोलने लग जाएगा इन याद रहना हद पांच दिन बाद असली की गल भी नहीं कि याद होनी कोई ना कोई इंसीडेंट खड़ा हो जाएगा कोई ना कोई होर लॉर्ड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी अच्कल तो किसानों फिर मत्था ला के बह गया है इन्नी का मतलब आप लियाकत के मालिक हैं कल तुम मिन्नत करके निबेड़ के उतो उठाए है सरूर अपने घरों दोबारा फिर मतलब कल अपने बयान दे के वो ये फंड कट्ठे कर रहे हैं जी ये मतलब वो कर रहे हैं जी ठीक है तो इस करके मतलब इन्हों इन्ना ही नहीं पता भी एक जो तुम स्यापा नबेड़ ही लिया है तो उन्होंने दोबारा फिर क्यों शुरू कर दें तो जी परिपक्वता होंगी है सियासत की वो नेड़े तेड़े भी नहीं क्योंकि लोग सियासी है ही नहीं गए तो जो सियासी लोग इतने तो वह सियासी नहीं है तो जो कल कलाकार उठ के आ गए कल आप सियासत बारे गल कर मेरे वर्ग बंदा कहे भी मैं कल पुलिस अफसर हैं तो अब लीडर बन के असं लोगों को सीध दे देंगे बिल्कुल जो काम के बंदे परिपक् होंगे उन्होंने छड़ देंगे उस तो जाते हैं जोड़ा नहीं आता करने की कोशिश करता है वो होंगे नहीं गा रिजल्ट सामने थोड़े बिल्कुल पंजाब पुलिस के सबका डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बलविंदर सिंह सिखों ना जरा सी हम गलबात साड़ी जी चल रही थी हथियार जरा कनैक्शन की है मैं उन्होंने कहूँगा इतने
सियासी दबाव तो इसते हुंदा ही होना, पर कितने ना कितने इन्हां कोल टॉर जिहड़ा कनैक्शन हैगा वो इसते ज़्यादा जिहड़ा हैगा हावी हुंदा नज़र आ रहा। वो भावें साडे गायक भी हुण सैलीब्रिटी बब्बू मान वर्गे हुण या होर कोई भी गायक हुण जिहड़े वो भी इस चीज़ तो बच नहीं पाते, कितने ना कितने वैपनस ड्रग्स ते सैलीब्रिटी भावें वह किसी भी फील्ड के ने पंजाब च बड़ी बुरी तरह हावी होए पे ने। नकारात्मक जिहड़ा हैगा उन्हां दी छवि बड़ी उभर के सामने आ रही है, जिहदे नाल पंजाब दे विच सुख वाले ठंडे दिन हाल दी घड़ी नज़र नहीं आउंदे। बीजे हैप्पी दे नाल बलजीत मरवाहा, सकरोल पंजाब, चंडीगढ़।